Hello and assalamu alaikum. I'm Raja Saroj Sahib and welcome to this very special segment of Life at City 2. As you can see behind me, we are located in a food street which is on double road Rawalpindi. You are straight from the IGP road and the Murray road is the first place to come here. So here you can try different food and try it. Our main purpose of today's show is that we are going to talk to people and try to know how much knowledge they have about different relevant popular questions. यानी कि जो पॉपुलर कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है जिसमें एंटरटेनमेंट भी है पॉलिटिक्स भी है सोशल इश्यूज भी हैं उसके बारे में लोगों के पास कितनी नॉलेज है सो लेट्स गो एंड गेट दिस थिंग स्टार्टेड अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप क्या नाम है आपका इकराम अच्छा इकरामुल हक साहब आपसे कुछ सवालात मैं करूंगा ठीक है आप मुझे जवाब देना है अगर आपको आता हो तो ठीक है नहीं आता तब भी कोई बात नहीं है लेकिन बहुत आसान सवालात होंगे सबसे पहले आप मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी से आपसे पूछूं पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट सोशल इश्यूज सर पॉलिटिक्स से स्टार्ट करें अलावा नहीं पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे ठीक है क्योंकि आप उसका सवाल जवाब नहीं देना चाह रहे अच्छा सबसे पहले मुझे बताइए 27 अक्टूबर को क्या होने वाला है 27 अक्टूबर को ये कोई मौलाना लीडर धरना कह रहे हैं मैंने ये नहीं कहा ये कह रहे हैं अच्छा दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान की सदर कौन है सदर तो आरिफ अलवी साहब आरिफ अलवी ठीक है ये आपको ने बताया से पहले आपको नहीं पता था ना सर वैसे सदर के बारे में पता तो नहीं था ज़बरदस्त ऐसे ही होना चाहिए अच्छा तीसरा सवाल अब मेरा आपसे अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से है पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो कमाई करने वाली मूवी है बॉक्स ऑफिस पर वो कौन सी रही है इसके बारे में आपको नहीं पता अच्छा वाइटल साइंस के जो लीडिंग सिंगर थे लीडिंग वोकलिस्ट थे वो कौन थे ये भी आपको अच्छा नाजिया हसन जो है उनका इंतकाल कौन से साल में हुआ चले कोई बात नहीं आपने पॉलिटिक्स के एक सवाल तो ठीक दिया है ज़बरदस्त ठीक है अब सोशल इश्यूज पे बात करते हैं ठीक है पाकिस्तान में आपको क्या लगता है इस वक्त सबसे बड़ा मसला कौन सा है सर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला तो आजकल जो सियासत का सबसे बड़ा मसला है ठीक है उसके अलावा नौजवानों में क्या इशू सबसे ज़्यादा आपको नज़र आता है नौजवानों में इशू सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से आजकल जो मोबाइल का इशू है हाँ मोबाइल के यूज़ बहुत ज़्यादा है ठीक है ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया आपका अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका मुजम्मिल हसन अच्छा मुजम्मिल हसन मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा ठीक है उसके जवाब अगर आपको आते हैं तो आप दे सकते हैं मैं नाम ना दें तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास पॉलिटिक्स है एंटरटेनमेंट है और सोशल इश्यूज़ हैं ठीक है सबसे पहले आपसे किस कैटेगरी से सवाल करें चलिए पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले 27 अक्टूबर को क्या हो रहा है ये तो आपको पता होगा 27 अक्टूबर को मौलाना साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद में धरना होगा ठीक है इंशाल्लाह अच्छा ANP के सदर का नाम क्या है ANP के सदर का नाम असफल यार वली है ज़बरदस्त अच्छा मौलाना फजल रहमान जो है वो कितनी दफ़ा हुकूमत के अंदर शामिल हो चुके हैं वो हर हुकूमत में रहे हैं सिवाय इमरान खान की नहीं कितनी दफ़ा हुए एक मतलब नंबर कितना है उनका मेरे ख्याल में वो 1983 से लेके 2013 तक सब सियासतदानों के साथ रहे हैं तीसरा अब एंटरटेनमेंट की तरफ चलते हैं ठीक है एंटरटेनमेंट के अंदर मुझे ये बताइए कि वाइटल साइंस के जो लीडिंग सिंगर थे उनका नाम क्या था पता है आपको सिंगर का नाम था पिट शायद नहीं अच्छा आतिफ असलम जो है उनके कोई तीन गानों का नाम बता दें आतिफ असलम का तीन गाने सबसे पहले जीना जीना ठीक है दूरी ठीक है उसके बाद फिर शाइनिंग इंडा भी जो आया था ठीक है चलिए आतिफ असलम के बाद हम अली ज़फ़र की बात करते हैं अली ज़फ़र की सबसे पहली हिंदी मूवी कौन सी थी आतिफ असलम की सबसे हिंदी फिल्म थी इमरान के साथ नहीं वो दूसरी मूवी थी पहली मूवी थी तेरे बिन लादेन ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं अली ज़फ़र की वैसे बात कर लेते हैं पाकिस्तानी सबसे पहली मूवी उनकी कौन सी थी पाकिस्तान की सबसे पहले मूवी अभी उनकी रिसेंटली अभी आई थी नाम मेरे जहन में नहीं है टीफा इन ट्रबल टीफा शायद इन ट्रबल हमने वो देखी भी है ठीक है वो डांस करते चले अब हम सोशल इशूज़ पर आते हैं आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन ही है ठीक है उसके बाद हमारा सबसे बड़ा मसला जो डेवलपमेंट है बेरोज़गारी आपको बड़ा मसला नहीं लगता बेरोज़गारी देखें वो सब जब करप्शन ही होगी ना तो बेरोज़गारी ऑटोमेटिकली आपको पता खत्म हो जाएगी ठीक है और गुरबत के बारे में आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में बढ़ी है कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है
ठीक है, जब से ये नई हुकूमत आई है उसमें तो कुछ ज़्यादा ये इशूज़ बढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी वजह ये है ना कि ना तो आपके पास सोर्सेज हैं जॉब्स के, ठीक है, उसके अलावा जो बिजनेसमैन तबका वो तो तकरीबन मर ही चुका है ना, जब कारोबार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बेरोज़गारी बढ़ेगी। चलिए एक और सवाल सोशल इशू पे ये है कि जो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ है, जो बच्चों के साथ जिनकी ज़्यादती होती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के में क्या ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या अभी इसके अंदर कमी जो है वो देखने में आई है, और स्पेशली जब मीडिया पे इसके ऊपर बात हो रही है, क्या आपको लगता है इससे कोई कमी आएगी इस क्राइम के अंदर? सर मेरे ख्याल से जब से सोशल मीडिया का रुझान बढ़ा है तो ये चीज़ें भी बढ़ी हैं, यूट्यूब की वजह से वो अंदर जो साइज हैं आप देखते हैं उस वजह से बच्चों के साथ जाती है वाकत बहुत हैं, और पाकिस्तान में देखा जाए तो वाजह तौर पर इस पर कोई कानून नहीं है, मतलब इस पे कानून की कोई शक ऐसी होनी चाहिए ना, मेरे ख्याल में अगर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इसकी बिला तहकीक जो जुर्म का होता है मतलब उसको सजाए मौत होनी चाहिए। ठीक है, और क्या आप इसके हक में हैं कि उनको सरे आम जो है वो फांसी देनी चाहिए? ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जब तक ऐसे कानून पाकिस्तान में नहीं बनेंगे तो ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। चलिए इस वक्त हम लोग ये सबसे ज़्यादा ये जो क्रिमिनल्स का या ये जो बच्चों के केसेस इब्रतनाक जब तक उनको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, जब से आपने देखा कसूर का एमपीए मुलविस था उस केस में, लेकिन उसके बाद बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होगा जब हमारे एमपीए एमएलए जो मतलब एक पॉपुलरिटी लोग हैं वो लोग जब सजाएँ ज़्यादा मिलेंगी तब जो है हर चीज़ का जुर्म कम होंगे, उनके दायरे में हर चीज़ को लाना होगा। ज़बरदस्त, चले बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद अली खान है। अच्छा वाजिद अली खान साहब, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और तीन कैटेगरीज में मुश्तमिल होंगे सवाल, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, सोशल इश्यूज, और देखते हैं कि आपको कितने जवाब बताएं उनके। ठीक है, सबसे पहले आप कौन सी कैटेगरी चूज़ करना चाहेंगे? पहले एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट, अच्छा अली ज़फ़र के कोई तीन गानों के नाम बता दें। छन्नो उसका एक है, ठीक है, उसके बाद एक अभी आया लैला ओ लैला, ठीक है, और उसके बाद यार और भी है इसका दो में वो है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, आतिफ असलम जो है उनकी उनने एक मूवी में एक्ट किया हुआ है, उस मूवी का नाम क्या है? उसका यार ये मुझे आता है दो में बोल नहीं नहीं हाँ हाँ ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा तीसरा सवाल मेरा आपसे ये, नाज़िया हसन की किस साल में वफात हुई? ये यहाँ पे आनी है। उनका फेवरेट गाना कौन सा आपका? ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी पर चलते हैं, पॉलिटिक्स पर आते हैं, पाकिस्तान की सदर का नाम क्या है? पाकिस्तान की सदर का नाम कराची से यार वो डॉक्टर हैं टेंट आरिफ अली, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका नाम आपको पता है? जो वजारत दाखिला के होते हैं जी बिल्कुल, वो हैं ये परवेज़ खटक, वो वजीर दफा है, हाँ सॉरी शाह महमूद कुरैशी यार वो वजीर खारजा है। चले अगले सवाल की तरफ जाते हैं, मौलाना एजाज शाह, ब्रिगेडियर एजाज शाह, मौलाना फजल रहमान जो हैं उनका किस साल के अंदर धरना स्टार्ट होएगा? ये 2019 में अभी, और किस दिन? 27 अक्टूबर में। 27 अक्टूबर पक्का है आपको इसके बारे में? हाँ 27 अक्टूबर, हाँ वहाँ से निकलेंगे। राइट आंसर, ठीक है। अच्छा अब सोशल इश्यूज़ पे आते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त आपको नौजवानों में मसला क्या नज़र आ रहा है? ये है कि यार मोटिवेट नहीं है, डीमोटिवेट है, मतलब किसी ना कोई मतलब अपनी फील्ड में कोई किसी ना किसी वजह से कोई डीमोटिवेट है, मतलब उसको आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको वो उस तरह के मौके नहीं मिलते प्लेटफॉर्म। अच्छा आप जो पाकिस्तान का ओवरऑल एक बहुत बड़ा मसला है वो गुर्बत है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान में कुछ सालों के अंदर ये मसला ज़्यादा होता जा रहा है? बिल्कुल होता जा रहा है, इसके इस हुकूमत की वजह से भी कुछ इसके अंदर नहीं इजाफा हुआ है? हुकूमत देखो, हुकूमत तो कोई भी हो ना उसकी वजह से हमेशा महंगाई भी हुई है और गुर्बत भी हुई है, लेकिन इन द फ्यूचर उम्मीद अच्छी रखी जाएगी, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यू नो इट्स ऑलवेज़ रियली गुड कि जब भी आपको कोई बैरियन जो है वो बाहर मिले, स्पेशली जब मैं शो कर रहा होता हूँ, तो इस वक्त मेरे साथ एक और बैरियन मौजूद है। आपका नाम क्या है? सैयद मोहसिन अली शाह। ठीक है सैयद मोहसिन, मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा और मैं देखना चाहता हूँ कि आपके पास कितनी जनरल नॉलेज है इन कैटेगरीज़ के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास तीन कैटेगरीज़ हैं, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और सोशल इशूज़। ठीक है, सबसे पहले आप कौन सी कैटेगरी चूज़ करें? आई शुड गो फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, ओके। सो आतिफ असलम के कोई तीन गानों का नाम बता दें। आतिफ असलम के तीन गाने हैं, ठीक है, अभी एक रिसेंटली है उन्होंने गाया है पछताओगे, ठीक है और आदत, ठीक है, एंड द थर्ड वन
Duri. Perfect. Okay, Junaid Jamshed jo the, wo kis band ke mashhoor singer the? I guess Strings. No, wrong. Okay, Strings ke kitne members hain total? Strings ke pehle band bada tha, I guess. Inka fir breakup or break ho gaye the, I guess. Abhi mere khayal se do members hain. Perfect. Okay, Coke Studio jo hai, usne kis saal mein debut kiya tha? Coke Studio ne debut kiya tha, I guess 2008-9, I guess 8. Wrong. Okay. Let's move to the next category. Politics pe aate hain. Pakistan ki sadar ka naam kya hai? It's okay. Just whatever you know about it. Okay. Pakistan ki sadar ka naam kya hai? Pakistan ke sadar ka naam. Arif Alvi to nahi hai. Yes. Yeah? Okay. Does it ring a bell? Alright. Second name is, I guess, Alvi, and the first is Arif. Okay, we got it. Second question ye ki Pakistan ke jo wazir e azam hai wo kaun se saal mein muntakhib hue is tenure ke liye? Kaun se saal mein? Ek saal hua, I guess. So, which is 2018 ke andar? 2018, right. Okay, 27th October ko Islamabad mein kya hone ja raha hai? 27th October here, yeah. Ek protest hone ja raha hai, I guess, JUI ki taraf se. Perfect, right. Okay, social issues, ek hi sawal hai, Pakistan ka sabse bada masla kya hai? Pakistan ka sabse bada masla hai corruption. Right. और इसकी वजह क्या है? और इसकी वजह ये है कि हम अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं हैं. हर कोई अपना फायदा सोचता है. ठीक है. जबरदस्त. बहुत शुक्रिया. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम क्या है? अस्सलाम अली हमजा. ठीक है. अली हमजा साहब, मुझे ये बताइए कि मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा और आपने मुझे उन पर जवाब देने हैं. तीन कैटेगरीज हमारे पास, सोशल इशूज़, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट. सबसे पहली कैटेगरी कौन सी? पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स, ठीक है. पाकिस्तान की सदर का नाम क्या है? सदर का आरफ अली. ज़बरदस्त. ये पहले साहब हैं जिन्होंने हमें इसका जवाब दिया है. दूसरा सवाल आपसे है, 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है? धरना हो रहा है मौलाना फजल रहमान. और इसका मकसद क्या है? आज़ादी मार्च है, उनका मकसद है कि दोबारा इलेक्शन करवाएं. ठीक है, ज़बरदस्त. ओके, जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं उनका नाम क्या है? वज़ीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी. नहीं, वो वज़ीर ख़ारजा हैं. वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज़ असलम. ठीक है. अच्छा, अब हम सोशल इश्यूज़ की बल्कि हम एंटरटेनमेंट पे जाते हैं. आतिफ असलम के कोई तीन गानों का नाम बता दें. आतिफ असलम के तीन कोई एक तो है, आपको नहीं आता है? मुझे नहीं आता. अली जफर पे जाते हैं. अली जफर की पहली पाकिस्तानी मूवी कौन सी थी? वो भी नहीं मुझे, वो भी आपको नहीं पता. अब बॉलीवुड में उन्होंने काम किया हुआ है अली जफर ने? पता नहीं, मूवीज़ में देखता नहीं हूँ. ठीक है. अच्छा, हॉलीवुड के बारे में आपसे कुछ सवाल करें. हॉलीवुड देखते हैं, कुछ इंटरेस्ट है उसके अंदर? बस फैंटास्टिक देखी हुई है. फैंटास्टिक देखी हुई है. उसकी लीडिंग एक्टर का नाम क्या है? लीडिंग एक्टर का आई थिंक चार लोग होते हैं, है ना? फैंटास्टिक फोर. जी. ठीक है. तो उसके चार लीडिंग एक्टर्स हैं, किसी एक का नाम भी बताओ. एक तो रेसलर है ना, क्या नाम है उसका? अच्छा, आप बटिस्टा की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो दूसरा है, क्या नाम है उसका? चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. सोशल इश्यूज पाकिस्तान, ये इसका एक ही कोई आप जवाब दे दें और जो भी आपको लगता है कि इसका असली जवाब है. पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? मसला इकॉनमी का सबसे बड़ा, जो स्टेबल नहीं हो रही. इसकी वजह यही है जो कि हमारी घूमते हैं, पैसा खा जाती हैं और लगाती नहीं है, टैक्स ले के ऊपर लगाती नहीं. ठीक है, ज़बरदस्त. बहुत शुक्रिया आपका. ओके, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है आपका? शुक्र है, मेरा नाम ईमान अहमद. ठीक है. इमाद अहमद? ईमान है. ईमान अहमद. अच्छा ईमान अहमद, मैं कुछ सवाल आपसे करूँगा तीन कैटेगरीज़ के ऊपर, सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़ और एंटरटेनमेंट. ठीक है. ओके. और अगर आपको जवाब आते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं. ठीक है. कौन सी कैटेगरी सबसे पहले आप चूज़ करना चाहेंगे? सॉरी, कौन सी कैटेगरी आप? कैटेगरी में पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स. पाकिस्तान की सदर का नाम क्या है? पाकिस्तान के सदर का नाम क्यों नहीं पता अभी? डॉक्टर आरिफ अलवी. ज़बरदस्त. अच्छा, पाकिस्तान के वज़ीर दाखला का नाम क्या है? वज़ीर दाखला का नाम, पाकिस्तान का वज़ीर दाखला कौन हो सकता है? इमरान खान? नो, शाह महमूद कुरैशी. आपको भी नहीं पता? दोनों नहीं, मुझे पता है. शाह महमूद कुरैशी वज़ीर दाखला, वो खारजा. वज़ीर दाखला? हाँ, वो नहीं, उसका नहीं. चलो ठीक है. नेक्स्ट सवाल, सूबा बलोचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उनका नाम क्या है? सॉरी, नहीं पता. ठीक है. आप सूबा सिंध के वज़ीर आला का नाम क्या है? मुराद अली शाह. परफेक्ट. अच्छा, एंटरटेनमेंट इश्यूज पे आ जाते हैं. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की जो अभी पिछले साल के अंदर कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं उनमें से कोई एक मूवी का नाम बता दें. मुझे नहीं इंटरेस्ट मूवीज. अच्छा, गाने सुनते हैं आप कभी कभी? अली जफर के गाने सुनते हैं? बहुत कम, ना होने के बाद. तीन कोई गाने पता है उनके?
तीन गाने चल गिल्लू मेरे और एक और गाना चले नेक्स्ट क्वेश्चन आतिफ असलम के कोई एक गाने का नाम बताओ आतिफ असलम के कोई एक गाने का नाम उनका है अभी तो खैर कोक स्टूडियो का उनका वो फेमस है जो क्वाली है वही खुदा है वही मैं आज चले ठीक है इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं आखिरी क्वेश्चन एंटरटेनमेंट पे नाजिया हसन जो है उनके किसी एक गाने का नाम बता दें या उनकी वफात कब हुई थी बता नाजिया हसन के सॉन्ग का नाम जो था ये दोस्त तेरी मेरी ऐसी दोस्ती जबरदस्त सोशल इश्यूज के ऊपर एक ही सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई आजकल और करप्शन उसकी वजह करप्शन है महंगाई की वजह करप्शन है और वो क्यों होती है करप्शन करप्शन क्योंकि हम सही बंदे सेलेक्ट नहीं करते और जो बंदे लिटरेट होते नहीं हैं वो आगे आ जाते हैं और वो आके आगे फिर सबसे पहला उनका काम होता है पैसा कमाना बजाय इसके कि लोगों की मदद करें ये प्रॉब्लम जबरदस्त बहुत शुक्रिया आपका ये बिगी है गवर्नमेंट ये पागल बना रहे हैं हम सबको And with this, we've come to the end of the special segment of Life at City 2. I hope आपको ये पसंद आया होगा और जैसे कि आपने देखा कि हम मुख्तलिफ लोगों के पास गए और उन पर मुख्तलिफ टॉपिक से हमने कुछ जवाब हासिल करने की कोशिश की ज़्यादातर लोगों के पास जो है सोशल इश्यूज़ पे ज़रूर कुछ ना कुछ कहना है लेकिन जनरली एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स से लोग जो है वो काफ़ी डिस्टेंट नज़र आते हैं दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन विद दिस आई एम गोना से गुड बाई टू यू अगर आपको वीडियो पसंद आई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें अगली दफ़ा तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़